नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 को दी मंजूरी। दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। शैक्षिक योग्यता भी की गई तय। कुल 11 घंटे 16 मिनट चला सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। स्मार्ट सिटी मिशन स्थापना दिवस समारोह में बोले मुख्यमंत्री, नई देहरादून की परिकल्पना को जल्द किया जाएगा साकार। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित कार्यों के वर्क ऑर्डर भी किए गए वितरित। टिहरी जिले में कार खाई में गिरने से 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मृत्यु। सहारनपुर से उत्तरकाशी जा रहे थे कार सवार। नीलकंठ मार्ग पर भी हुआ हादसा, 1 की मृत्यु, 3 घायल। और हरिद्वार में ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी को श्रद्धांजलि देने उमड़े श्रद्धालु। मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक ने भी अर्पित किए श्रद्धा सुमन। राज्य में रहा 1 दिन का राजकीय शोक। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा ने आज पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 को पारित कर दिया। इससे भविष्य में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वे ही लड़ पाएंगे जिनके सिर्फ 2 बच्चे हैं। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार को पंचायत चुनाव के लिए अपात्र करने, त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रमुखों के पदों पर आरक्षण की व्यवस्था करने, एक साथ 2 पद धारण करने को अपात्र करने, शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने के साथ ही 2016 के मूल अधिनियम की त्रुटियों को दूर करने के लिए सरकार की ओर से ये विधेयक चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक के प्रावधान आगामी पंचायत चुनाव में लागू हो जाने की उम्मीद है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10वीं और SC/ST के लिए 8वीं अनिवार्य किया गया है। नियम बन चुका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें संशोधन लाए गए। मैं समझता हूँ 2 तो जो मूल रूप से 2 संशोधन हैं, एक तो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, और जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे पंचायतों से हम शुरू कर रहे हैं, ये स्थानीय निकायों में तो पहले ही लागू था लेकिन पंचायतों में लागू नहीं था, तो पंचायतों में जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि आएंगे उनके लिए जनसंख्या नियंत्रण का एक संदेश है, वो पूरे समाज को भी संदेश दे पाएंगे। और दूसर में पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग ही इन पंचायतों में प्रतिनिधित्व के योग्य हों, इस बात के लिए 2 मूल कारणों से ये संशोधन है। ये अधिनियम महामहिम राज्यपाल जी की एसेंट के लिए उनके पास जाएगा, और जैसे उनकी एसेंट मिल जाएगी ये जो एनेक्टमेंट है हमारे परमल गेट हो जाएगा, और उसी तारीख से ये प्राविधान लागू हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से विधेयक को उचित बताया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन जरूरी बताए। शैक्षिक योग्यता के मामले में भी उससे आपत्ति जाहिर की है। एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि योग्यता केवल साक्षर होने से नहीं होती। कई लोग ऐसे हैं, आपके पास उदाहरण है, कई साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने कक्षा 2 भी नहीं पढ़ी, उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार कर दिया, उन्होंने दूरसंचार के आपके टेलीफोन का आविष्कार कर दिया। वो पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा किसी विद्यालय में नहीं गए थे, तो योग्यता आधार होनी चाहिए। कई लोगों के पास बहुत लंबा अनुभव है जो बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है। इन सारी चीज़ों का 2 बच्चे वालों को, क्योंकि देश में जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है हमारे विकास को रोकने का, वो स्टेप लिया जाना चाहिए। उसके उसको उसमें ये जरूर देखा जाना चाहिए कि उसकी समय अवधि कितनी रखी जानी, कितने पहले से कब तक लिया जाना चाहिए। एक आज जो 300 दिन वाला है उसमें मुझे एक आपत्ति ये है कि जो व्यक्ति या जिसका इस नियम के आने के टाइम में जो गर्भवती महिला है, हो सकता उसके 2 संतानें पहले से, और अगर गर्भवती है तो वो इस नियम के आने के बाद वो भाग नहीं ले पाएगी। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस के सदस्यों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा की मांग की। इसे लेकर सदन में काफी देर हंगामे की स्थिति रही। बाद में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कार्यवाहक संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी के ब्रह्मलीन होने और शिक्षा मंत्री अरविंद
पांडे के पुत्र अंकुर पांडे के निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा, जिसके बाद सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 24 जून को आरंभ हुआ उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र कुल 11 घंटे 16 मिनट तक चला। आज पत्रकारों से वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि नियम 300 के अंतर्गत 38 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 7 को स्वीकृत और 21 को ध्यानाकर्षण के लिए रखा गया। श्री अग्रवाल ने बताया कि सत्र के दौरान उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018 और उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 सदन के पटल से पारित हुए। 105 के 2 प्रस्ताव प्राप्त हुए, याचिकाएं 19 प्राप्त हुई जो 19 की 19 स्वीकृत हुई। नियम 300 के अंतर्गत 38 सूचनाएं प्राप्त हुई थी, जिसमें 7 स्वीकृत हुई। 21 ध्यानाकर्षण के लिए आज हमने ली हैं। नियम 53 के अंतर्गत 25 सूचनाएं मिली थी, जिसमें 2 स्वीकृत की। और आज जो 13 नियम 53 के अंतर्गत सूचनाएं आई थी, उन्हें ध्यानाकर्षण के लिए स्वीकार किया गया। नियम 58 के अंतर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई थी, 9 की 9 स्वीकृत हुई। और नियम 310 के अंतर्गत 1 सूचना प्राप्त हुई, जो कल नियम 58 में हमने परिवर्तित करके सुना। ऐसे ही हमारे पास तारांकित, अतारांकित, अल्पसूचित 716 हमारे को प्रश्न प्राप्त हुए, जिसमें तारांकित प्रश्न 164 स्वीकार हुए, 30 उत्तरित हुए। चारधाम यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निर्बाध जारी है। बात केदारनाथ धाम की करें तो यहां महज 1.5 माह में ही श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले साल के पूरे यात्रा काल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा और गुफा में किए गए ध्यान को भी माना जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ के दर्शनों के लिए हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। 16-17 जून 2013 को आई भीषण आपदा के बावजूद यात्रियों का उत्साह कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ता जा रहा है। चार धाम में सर्वाधिक कठिन और करीब 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई तय करके की जाने वाली केदार यात्रा के लिए इस वर्ष श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। 9 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से अब तक करीब 1.5 माह में ही 7,48,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल पूरे यात्रा काल में 7,32,000 यात्री केदारनाथ पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से जहां रुद्रप्रयाग प्रशासन खुश है, वहीं उसके समक्ष यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती भी बढ़ी है। केदारनाथ में जो मेडिटेशन केव है, पिछले वर्ष इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। इसके संचालन की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल विकास निगम को दी गई है। हम लोगों ने इसमें ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट कर दी थी और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो इस वर्ष जो बुकिंग्स हैं वो लगातार हैं। इस संबंध में मेरी गढ़वाल मंडल विकास निगम के RM से बात हुई थी, तो उन्होंने भी अवगत कराया है कि जुलाई के अंत तक लगभग बुकिंग लगातार उसमें है। तो एक तरीके से उस गुफा के इस लगातार जो बुकिंग मिल रही है उसको देखते हुए हम लोग के सामने ये भी एक अब एक लक्ष्य हो गया कि हम अन्य गुफाओं का भी वहाँ पर निर्माण करें। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश भी दिए हैं कि इसमें अन्य गुफाओं का भी निर्माण किया जाना है। केदारनाथ यात्रा के इस बार बेहद सफल होने की एक वजह कपाट खुलने के बाद 18 मई को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा को भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान रुद्र गुफा में ध्यान भी लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद से ही इस ध्यान गुफा की ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से लोग उस गुफा में ध्यान के लिए आ रहे हैं। प्रशासन अब अन्य ध्यान गुफाओं के निर्माण की तैयारी में है। केदारनाथ यात्रा की हम सन 2019 की बात करें तो इस वर्ष 1.5 महीने में लगभग 7,48,000 श्रद्धालु आ चुके हैं, जबकि अगर 2018 का आंकड़ा हम लें तो पूरी यात्रा में 7,32,000 श्रद्धालु वहां पर आए थे। तो इतने कम समय में इतने अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के लिए आर्थिकी का एक माध्यम बन रहा है,
रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन के समक्ष एक चुनौती भी हो रही है कि इतने अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं तो उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, केदारनाथ में रहने की सुविधा, यात्रियों के लिए अच्छे खाने की सुविधा, उनके लिए शौचालय, मेडिकल, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को बेहतर रूप में यात्रियों को उपलब्ध करानी है। तो हम लोग उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जो जो सुविधाएं एड ऑन होनी है, क्योंकि आने वाले समय में यात्रा के और अधिक बढ़ने की संभावना है। केदारनाथ के इतिहास में ये भी पहली बार ही हुआ है जब किसी एक दिन में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 36,000 से अधिक पहुंची। अभी करीब 4 माह की यात्रा शेष है। ऐसे में माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या इस बार काफी अधिक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देहरादून शहर की बढ़ती आबादी के दबाव को कम करने के लिए नए देहरादून की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। इसके लिए 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र का लैंड बैंक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देहरादून में कल शाम स्मार्ट सिटी मिशन स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न फर्मों को देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित कार्यों के वर्क ऑर्डर और स्मार्ट कार्ड भी वितरित किए। श्री रावत ने कहा कि देहरादून जल्द ही स्मार्ट शहर के रूप में नए कलेवर में दिखाई देगा। स्मार्ट सिटी संबंधी 87% कार्यों को मूर्त रूप देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी कार्यों को जल्द ही धरातल पर उतार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2020 के अंत तक देहरादून को CNG उपलब्ध हो जाएगा। राज्य के अन्य प्रमुख नगरों को भी स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने इस मौके पर कहा कि स्मार्ट सिटी की दिशा में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि देहरादून स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 800 करोड़ से अधिक के कार्य जल्द ही प्रारंभ कर दिए जाएंगे। इनमें 484.76 करोड़ रुपये लागत की परियोजनाओं के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, जबकि 331.20 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं की DPR को स्वीकृति प्रदान की गई है। टिहरी जिले के सुवाखोली भवान उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर मौरियाना के नजदीक एक कार आज सुबह गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार एक ही परिवार के 4 बच्चों और 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को 108 सेवा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्त्यूड़ में भर्ती कराया गया है। टिहरी के SSP डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कार में 10 लोग सवार थे, जो सहारनपुर से उत्तरकाशी एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर पौड़ी जिले के यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत ऋषिकेश नीलकंठ मार्ग पर कार खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। निवर्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी को आज हरिद्वार में उनके शिष्यों ने भू समाधि दी। स्वामी सत्यमित्रानंद का कल लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनके निधन से संत समाज में शोक की लहर है। राज्य सरकार ने उनके निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक रखा। स्वामी सत्यमित्रानंद को श्रद्धांजलि देने केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और परंपरा के संवाहक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने जहां एक ओर धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया, वहीं भारत को एक माँ का दर्जा देकर उन्होंने हरिद्वार में भारत माता मंदिर बनाकर लोगों को देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का अनोखा मंत्र दिया। आप पूज्य सत्यमित्रानंद जी, निवर्तमान शंकराचार्य जी और भारत माता मंदिर के संस्थापक, आज जो पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति के एक महा ऐसे युग पुरुष के रूप में लोगों ने उनको महसूस किया, ऐसे महात्मा के रूप में महसूस किया, ऐसे संस्कृति के एक योद्धा के रूप में महसूस किया इस देश ने, दुनिया ने, जब वो भारत की संस्कृति की पता को उन्होंने सारे विश्व में फैलाया, आज वो हमारे बीच नहीं है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।